मध्य प्रदेश के हर गांव शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़िए टुडे हिमाचल के साथ। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए टुडे हिमाचल चैनल को, फेसबुक पर फॉलो कीजिए और पल पल की खबरों के लिए सर्च कीजिए www.todayhimachal.com। आपका विश्वास हमारी पहचान। एचआरटीसी बसों में महिलाएं देंगी आधा किराया, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल भी मुफ्त, जानिए बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में रोजगार, कर्मचारियों व जन कल्याण से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में सैकड़ों पदों को भरने का फैसला लिया, साथ ही कई कर्मचारी श्रेणियों का मानदेय बढ़ाने, नए जल शक्ति मंडल व पटवार सर्कल खोलने, स्कूल पशु औषधालयों को अपग्रेड करने का भी निर्णय लिया गया। प्रदेश में हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में महिलाओं का आधा किराया ही लगेगा। राज्य सचिवालय शिमला में हुई कैबिनेट बैठक में इन बहुप्रतीक्षित फैसलों को मंजूरी दी गई। इससे पहले इन सुविधाओं की घोषणा 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस पर चंबा में मुख्यमंत्री ने की थी। अब अधिसूचना जारी होते ही इनका लाभ प्रदेश की जनता को मिल जाएगा। एचआरटीसी के राज्य के भीतर चलने वाली साधारण बसों में महिला यात्रियों को अभी तक 25% किराए में छूट मिलती थी। कैबिनेट ने अब इस छूट को 50% कर दिया है। माता और बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए 65 करोड़। माता और बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए प्रदेश सरकार 65 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना को मंजूरी दी। 7 स्तंभों पर आधारित इस योजना से प्रदेश को कुपोषण से मुक्त किया जाएगा। योजना केंद्र राज्य सरकार तथा महिला एवं बाल विकास, प्रारंभिक शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सहयोग से चलाई जाएगी। हर स्कूल में योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए एक शिक्षक को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। परिवहन निगम के बेड़े में जुड़ेंगी 360 नई बसेस। कैबिनेट ने 360 बसें और अन्य वाहन खरीदने की भी मंजूरी दी। इसके लिए सरकार ने 160 करोड़ रुपए का सावधि ऋण लेने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम के पक्ष में सरकारी गारंटी प्रदान करने का फैसला किया है। दो निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर भी मिलेंगे। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के लाभार्थियों को मुफ्त गैस कनेक्शन में एक भरे सिलेंडर और एक रिफिल के अलावा अब 2 और सिलेंडर मुफ्त रिफिल देने की मंजूरी दी है। कैबिनेट ने यह भी फैसला लिया कि नियमित सरकारी महिला कर्मचारियों को बच्चा गोद लेने की सूरत में 12 सप्ताह तक अवकाश दिया जाएगा। इनका मानदेय बढ़ाया। कैबिनेट ने एसएमसी में नियुक्त सभी 2477 अध्यापकों के मानदेय में 1 अप्रैल से प्रतिमा 1000 रुपए की वृद्धि का निर्णय लिया। मिड डे मील योजना के तहत कार्यरत 20,650 से कर्मियों के मानदेय में 900 रुपए प्रतिमा वृद्धि होगी। पचवार व्रतों में कार्यरत अंशकालिक कर्मचारियों का मानदेय 4,100 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रतिमा करने और लंबरदारों का 2300 से बढ़ाकर 3200 रुपए प्रतिमा करने की मंजूरी दी गई। अंशकालिक जलवाहकों का मानदेय बढ़ाया। शिक्षा विभाग में कार्यरत 581 अंशकालिक जलवाहकों के मानदेय में प्रतिमाह 900 रुपए की वृद्धि का निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद की ओर से संचालित हिमाचल प्रदेश बाल बालिका आश्रमों, राज्य व जिला बाल संरक्षण इकाइयों के अलावा राज्य अडॉप्शन संसाधन एजेंसी बाल संरक्षण सेवा कार्यक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन मानदेय में वृद्धि करने को स्वीकृति प्रदान की। 600 से अधिक पद भरने की मंजूरी। कैबिनेट ने ऑपरेशन थिएटर सहायकों के 177 पदों समेत विभिन्न विभागों में 600 से अधिक पद भरने को मंजूरी दी। शिक्षा विभाग में अधीक्षक ग्रेड 1 के 66 पद भरे जाएंगे। पशुपालन विभाग में अनुबंध आधार पर सीधी और बैच वाइज भर्ती से वेटरनरी अधिकारियों के 100 पद भरने का निर्णय लिया गया है। प्री प्राइमरी के बच्चों को भी मिलेगी निःशुल्क स्मार्ट वर्दी। प्री प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ने वाले करीब 50,000 विद्यार्थियों को अचल स्कूल वर्दी योजना के तहत पहली बार स्मार्ट वर्दी के 2 सेट मिलेंगे। इसके लिए प्रतिवर्ष 200 रुपए सिलाई की राशि भी मिलेगी। अभी तक 1ली से 12वीं कक्षा के 8.5 लाख बच्चों को वर्दी दी जा रही है। बिलासपुर अस्पताल में बिस्तरों की क्षमता बढ़ाई। कैबिनेट ने क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में मरीजों की सुविधा के लिए मौजूदा 270 बिस्तरों से 300 बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया। हमीरपुर जिले के सुजानपुर में नया जल शक्ति मंडल खोलने ने आवश्यक पदों के सृजन और भरने की मंजूरी दी। नए स्कूल खुलेंगे। कैबिनेट ने जिला चंबा के डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला टिकरू व मलाल में विज्ञान कक्षाएं आरंभ करने और विभिन्न श्रेणियों के 6 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की। हिमाचल में इस दिन से बिगड़ेगा मौसम, बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के 4 मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में शुक्रवार को मौसम साफ रहेगा। मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति में बारिश के आसार हैं। 28 से 30 मई तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। जल्दी लाहौल स्पीति आएंगे राहुल गांधी। प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी संजय दत्त ने दी जानकारी।
हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी संजय दत्त ने कहा कि राहुल गांधी जल्दी लाहौल स्पीति आएंगे। गुरुवार को लाहौल के जिस्पा पहुंचे संजय दत्त ने कहा कि राहुल गांधी पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने और आम लोगों की दिक्कतें जानने के लिए यहां का दौरा करेंगे। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग भरेगा 1508 पर जाने आवेदन की अंतिम तिथि। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने विभिन्न विभागों में खाली 1508 पद भरने के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे। अभ्यर्थी 31 मई से 30 जून रात 11:59 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। ऑनलाइन आवेदन की डाउनलोड प्रति और आवश्यक प्रमाण पत्र मूल्यांकन परीक्षा के दौरान प्रस्तुत करने होंगे। दोपहर हुई 102 और 108 एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन हड़ताल वापस ली। हिमाचल प्रदेश में 102 और 108 एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन दोपहर हो गई। इसके चलते कर्मचारी यूनियन की हड़ताल का अधिक असर देखने को नहीं मिला। इससे लोगों को एम्बुलेंस की सुचारू रूप से सेवाएं मिली। कंपनी से बातचीत के बाद दोपहर तक कर्मचारियों ने हड़ताल भी वापस ले ली। ब्यास के लहरों में फंसी रही युवती, अग्निशमन विभाग ने जान बचाई। पर्यटन नगरी मनाली में ब्यास नदी के बीचों बीच फंसी एक युवती को अग्निशमन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर लिया। वीरवार सुबह करीब 7:30 बजे अग्निशमन विभाग को युवती के नदी में फंसे होने की सूचना मिली। दोहरी जांच की जद में हजारों कोचिंग सेंटर, हिमाचल पुलिस ने तैयारी की। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा पेपर लीक मामले में हिमाचल प्रदेश और बाहरी राज्यों में चल रहे हजारों कोचिंग सेंटर दोहरी जांच की जद में है। पुलिस प्रशासन इसके खिलाफ जांच की तैयारी में है। एमडीएमएस में थीसिस जमा करने के लिए अब मिलेगा 1 साल का समय। हिमाचल प्रदेश के 7 मेडिकल कॉलेजेस में एमडी और एमएस पाठ्यक्रमों के लिए थीसिस प्रोटोकॉल को जमा करने के लिए चिकित्सकों को अब 6 माह के बजाय 1 वर्ष का समय दिया जाएगा। साथ ही एमडीएस पाठ्यक्रमों के लिए थीसिस प्रोटोकॉल को जमा करने के लिए 3 के बजाय 6 माह का समय मिलेगा। मेरिट आधारित कोर्स में प्रवेश के लिए 11 तक करें आवेदन। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने मेरिट आधारित डिप्लोमा और अन्य कोर्स की सब्सिडाइज्ड और नॉन सब्सिडाइज्ड सीटों पर शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए प्रवेश का शेड्यूल जारी कर दिया है। इन कोर्स के लिए विश्वविद्यालय के एडमिशन पोर्टल के माध्यम से 11 जून तक ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि निर्धारित है। दो सड़कावा बने की हट्टी में आमने सामने भिड़े 4 ट्रक, एक चालक की मौत। पुलिस थाना के तहत 2 अलग अलग स्थलों पर हुए 2 सड़क हादसों में 1 ट्रक चालक की मौत हुई जबकि 3 ट्रक चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। एचआरटीसी बसों की छतों से हटेंगे कैरियर, पुष्प उत्पादकों में हड़कंप। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों के छतों से कैरियर हटाने के फरमान से पुष्प उत्पादकों में हड़कंप मच गया है। सस्ते और बेहतर विकल्प के चलते मंडी समेत प्रदेश के अधिकांश पुष्प उत्पादक फूल की पैदावार दिल्ली तक सरकारी बसों की छत पर ही बेचते हैं। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।